दोस्तों आज इस के इस वीडियो में बताने वाला हूँ ग्रीन प्लाई एप्लीकेशन में कूपन पॉइंट का यूज करने के लिए अकाउंट को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं या न्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आपके पास ग्रीन प्लाई का इस तरह का टूपन आपके पास है ग्रीन प्लाई में अकाउंट को रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताऊँगा दोस्तों फर्नीचर में कूपन पॉइंट से रिलेटिव कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो इस चैनल में मिल जाएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेशर रखिएगा तो चलो शुरू करते हैं स्कीम में जो नंबर दिख रहा है उस नंबर में कस्टमर का कॉल लगाना है कस्टमर को कॉल लगाने के बाद आपको बोलना है जो ग्रीन प्लाई में मेरा अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है कस्टमर आपको पूछेंगे आप कॉन्ट्रैक्टर हो या मिस्त्री हो आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो तो बोल देना है जो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ उसके बाद आपको पूछेंगे आपका काम कहाँ चालू है जहाँ भी आपका काम चालू है बोल देना है उसके बाद कस्टमर आपको पूछेंगे कौन सा दुकान से माल लेते हो जो भी दुकान से माल लेते हो दुकान का नाम को बोल देना है उसके बाद कस्टमर आपको नज़दीक एरिया का ग्रीन प्लाई का मैनेजर का व्हाट्सअप नंबर दे देंगे उस व्हाट्सअप नंबर में आपको डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना होगा जैसा कि आधार कार्ड पासपोर्ट फोटो या बैंक का पासबुक पहला पेज कस्टमर आपको नंबर देने के बाद उस नंबर में एक बार कॉल लगाना है कॉल लगाने के बाद आपको बोलना है जो मेरा ग्रीन प्लाई में अकाउंट को बनाना है उसके बाद मैनेजर आपको बोलेंगे आपका काम कहाँ चालू है जहाँ भी काम चालू है आपको बोल देना है उसके बाद कस्टमर आपको पूछेंगे जहाँ से प्लाई लिए हो उधर का बिल है आपके पास अगर आपके पास प्लाई का बिल नहीं है तो आपको बिल को जुगाड़ कर लेना है अगर प्लाई का बिल जुगाड़ कर ले हो तो आपका काम हो जाएगा कस्टमर आपके पास डॉक्यूमेंट को सेंड करने बोलेंगे उसके बाद आपको सेंड कर देना है आधार कार्ड पासपोर्ट फ़ोटो बैंक का पासबुक पहला पेज और प्लाई का बिल डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने का बाद एक बार कस्टमर को बोल देना है जो मैंने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दिया हूँ उसके बाद ग्रीन प्लाई में आपका अकाउंट को रजिस्ट्रेशन कर देंगे ग्रीन प्लाई में अकाउंट को रजिस्ट्रेशन करने का दूसरा तरीका है हार्डवेयर दुकान से जहाँ से माल ले तो उधर से बात करना है जो मेरा ग्रीन प्लाई में अकाउंट को रजिस्ट्रेशन करवा दो ग्रीन प्लाई की तरफ से कस्टमर अकाउंट खोलने के लिए आते हैं कस्टमर आपसे डॉक्यूमेंट्स को मांगेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स को मांगेंगे उसको दे देना है आपका अकाउंट को रजिस्ट्रेशन कर देंगे ग्रीन प्लाई में अकाउंट को रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक आईडी पासवर्ड दे देंगे आईडी पासवर्ड पाने के बाद ग्रीन प्लाई एप्लीकेशन को लॉगिन करना होगा उसके लिए प्ले स्टोर को ऑन कर लेना है प्ले स्टोर को ऑन करके ग्रीन प्लाई टाइप करना है सबसे पहले ग्रीन समृद्धि एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है उस वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है ग्रीन समृद्धि एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इस तरह का कंटेक्ट फेस दिखाई देगा आईडी पासवर्ड को डाल के साइन अप करना होगा आपका मोबाइल नंबर ये आई है कस्टमर जो पासवर्ड को दिया है उसको चेंज कर लेना है पासवर्ड को चेंज करने के लिए फॉरजेट पासवर्ड दिख रहा है उसमें क्लिक करके पासवर्ड को चेंज कर लेना है अगर आपको जाना है पासवर्ड को चेंज कैसे करें उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उधर से वीडियो को देख लेना है पासवर्ड को चेंज करने के बाद मोबाइल नंबर पासवर्ड दे के साइन अप में क्लिक करना है एप्लीकेशन लॉगिन होने के बाद इस तरह का कंटरफेस दिखाई देगा अगर आपको पॉइंट को स्कैन करना है सबसे नीचे दो नंबर में पारसिज ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्लिक करना है उसके बाद प्लस आइकन ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्लिक करना है उसके बाद पार्सिज बाय स्कैन ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्लिक करना है उसके बाद पॉइंट को स्कैन कर पाओगे अगर आपको कूपन पॉइंट को रिडीम करना है सबसे नीचे तीन नंबर में रिडीम रिवार्ड्स ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्लिक करना है उसके बाद रिडीम में क्लिक करके पॉन को रिडीम कर पाओगे तो दोस्तों ग्रीन प्लाई एप्लीकेशन में अकाउंट को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सबसे आसान तरीका जान गए होंगे दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो के किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखिए क्योंकि इसी तरह नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे